Hi friends, welcome to my stories for you. And today we'll talk about tutor me account profile dikhaungi. And I'm very proud to say ki YouTube pe I'm the only tutor who has actually working in tutor me. And you need to watch this video till end to get selected, that what is the important tips to get selected in tutor me mein agar aapko select hona hai, so it's very important ki aap ye video dekhein. You will be getting $16 per hour and it's very 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 genuine site जिसकी सैलरी हमेशा टाइम पर आती है. सपोर्ट सिस्टम ए क्लास है और डेफिनेटली यू कैन अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ इस साइट पर अगर आपने अच्छे से काम करा. सो एंड यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल रही है. सो या इट्स द होल वीडियो इज़ अबाउट ट्विटर मी एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल यू एवरी वन दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि बहुत से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट ट्विटर मी पे जितने भी अभी तक वीडियो हैं, द ओनली ट्विटर ऑन ट्विटर मी दैट इज एक्टिव इज मी. बट आई रियली वॉन्ट टू नो दैट मेनी ऑफ यू आर मैसेजिंग मी कि मैम हम सिलेक्ट नहीं हुए, हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है. सो आई रियली वॉन्ट टू शो यू माई प्रोफाइल. हो सके अगर आपको इस प्रोफाइल में देख कर अगर आप ऐसा कुछ लिखें तो यू विल गेट समथिंग. मैंने उस टाइम पर जब क्रिएट करा था काफ़ी सालों पहले, तो आई जस्ट रॉट वॉट आई फील लाइक दैट वॉट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वॉट आई हैव डन. बट नाउ थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ट्यूटरिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आप एक्सपीरियंस मेंशन करें और दूसरी साइट्स पे जहाँ वर्क कर रहे हैं उसका आप एक्सपीरियंस इसमें एज एन एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं. दिस इज़ द ओनली साइट जहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होने वाला है. सो टच वुड आप इस पर ईजिली सिलेक्ट हो सकते हैं. माई प्रोफाइल इज सोनम एस एंड एज यू कैन सी अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो जो लोग रिजेक्ट हो गए ना, मेक श्योर कि वो उसमें आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपके अकाउंट का आएगा एक्टिवेट डीएक्टिवेट, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर देना. क्योंकि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप उसके बाद डीएक्टिवेट के 3 मंथ बाद आप अप्लाई कर सकते हो इस साइट पे. ऐसा है अगर आई एम नॉट रॉन्ग, बट मेक श्योर यू सी इट. नाउ आई विल शो यू द सब्जेक्ट आई एम टीचिंग ऑन दिस वेबसाइट और प्रोफाइल कैसा है मेरा, मैं वो भी दिखाऊंगी. सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया, टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल कर लिया, क्योंकि आई एम अभी शेक का मैंने थोड़े दिन पहले दिखाया था डैशबोर्ड. एंड शेक से मैं कंटिन्यूसली लाइक काफ़ी सालों से, लाइक आफ्टर 2014 और 15 से मैं कंटिन्यूस एक्टिव हूँ वहाँ पे. सो एंड $20 पर आवर मिलता है वहाँ पे और आई एम वेरी एक्टिव देयर. एंड ट्विटर मी पे भी बहुत एक्टिव हूँ अभी जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदांत. आई एम नॉट वेरी एक्टिव एंड विद द रीज़न ऑफ दिस यूट्यूब चैनल. But yeah, the sites are my most favorite site. I have always told you that Twitter is my favorite. Now Twitter profile, आप मेरे प्रोफाइल को ईजिली देख लीजिए. आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो, तो मेक श्योर आप इसमें देख लीजिए. और अगर आपने भी ये सब करा है तो डेफिनेटली मैंशन करेगा, क्योंकि दे विल डेफिनेटली चेक योर परसेंटेज. आपकी ईमेल जब आप रेज्यूमेंट भी एडमिट जब सबमिट करोगे तो दे विल डेफिनेटली चेक. और प्रोफाइल्स काफ़ी बहुत कीनली देखते हैं वो लोग. सो मेक श्योर आपके प्रोफाइल हो. आई हैव गिवन द हेडलाइन ट्यूटर फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, बिकॉज सी आई वॉज इन टू फ्रीलैंसिंग, बट आई वॉज डेफिनेटली यू नो इन टू टीचिंग समवेयर. आफ्टर इंजीनियरिंग ऑल्सो हम हमेशा जूनियर्स को पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक्टिव रहते ही हैं दूसरे साइड्स पर भी. सो मेक श्योर यू पुट द एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस. After that, this and then about section is very very important. I'm reading it aloud so that you can get what I am. Quality, dedication, timeliness and undisputed engagement are 4 perspectives that I guarantee from the word go. On the grounds that I trust you deserve, broadly educated with demonstrated capability in different subjects, monstrous experience and certain enthusiasm. बिकॉज आई उस टाइम पर जब मैंने फॉर्म भरा था, तो आई फेल्ट लाइक दैट आई शुड राइट दिस. यू नो वैन आप हाईली एक्टिव होते हो, आप अपने करियर के लिए कॉन्फिडेंट होते हो ना, जब आपके रिज्यूम अच्छा है, टच वुड आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आप इंजीनियरिंग में भी टॉपर हो, आप स्कूल में भी टॉपर हो, यू नो एक कॉन्फिडेंस होता है, तो एक वो चीज़ें लिखने में भी आती हैं. सो मेक श्योर अगर आप नहीं भी हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो भी अपने आप में अपने वर्ड्स में एक पावर लाइए लिखने में, रिज्यूमे और अबाउट मी थोड़ा कॉन्फिडेंटली अच्छा लिखिए. मेक श्योर योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, बिकॉज आप इसमें 1-to-1 लाइव ट्यूटरिंग भी करेंगे. सो मेक श्योर कभी आपको ऐसे लेसन भी मिलेंगे, कभी नहीं भी मिलते, मोस्टली तो ऑफ ही होते हैं, बट मेक श्योर यू डू दिस. ओके, सो दिट वॉज माई अबाउट एंड नाउ
आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस का आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, बिकॉज यही दोनों कॉलम है और रेज्यूमे हैं जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को डिसाइड करता है कि वेदर यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और नॉट. नाउ आई हैव मैनी ईयर्स ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस एंड आई इन्जॉय टीचिंग ऑल ग्रेड स्टूडेंट. मेक श्योर आप मैंशन करो कि आपके पास ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस भी है एंड यू कैन टीच ऑल द स्टूडेंट्स एनी ग्रेड. I've been tutoring with other tutoring sites also and has a very good circle of more than 100 students from USA, UK, India and some other from South Asia too. So why I mentioned this, because I was very much active on the Shrek.com. मैंने पहले join करा था and then मैंने फिर tutor.me पे join करा था. जब तक मैंने Shrek पे कर रहा था, Shrek पे I'm right now, it आज की तारीख में I have more than 150 students. ज़्यादा हैं उससे भी. Because I have not never counted, but that time I knew that I have this students because I was very active that time also in Course Hero, Shrek.com पे. And you know that time it's trying to था Shrek का पहले नाम and I was very active in Upwork also. So mostly my students are from the USA, UK and India mix से but South Asia too. So I mentioned this, अगर आप कहीं दूसरी साइड पे हैं और आपने जितने बच्चों को पढ़ाया है तो make sure आप उसको किसी ना किसी तरह से modify करके जरूर explain करें. एंड आई एम डूइंग वन टू वन ट्यूटरिंग ऑल्सो. सो आपको ये बताना पड़ेगा कि यू आर वेरी एक्टिव एंड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग वन टू वन ट्यूटरिंग ऑल्सो. आई लाइक टू टीच एल्जेब्रा फर्स्ट एंड सेकेंड, कैलकुलस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल सब्जेक्ट स्पेशली बिकॉज माई ब्रांच वॉज इलेक्ट्रिकल. ये बात अलग है कि आफ्टर इंजीनियरिंग आई वॉज इन टू सॉफ्टवेयर, दैट इज़ आई वॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो ब्रांच था वहाँ की टीम लीडर थी एंड प्लस आई वॉज इन टू पी एच पी. But I know that algebra first and second and calculus and electrical engineering ke subjects mein padha sakti hun because I am very thoroughly expert in that. So that is network theorems, VLSI etc. Maine apne subject bhi mention kare the kyunki kya hota hai, hame apne, aap agar baat kar rahe ho is branch ki apne branch ki aur aapko wahi subject nahi aate to it would be a bad impression. So make sure ki aapke subject aap apne apni resume apni quality ke hisab se dalein. Now network theorem, VLSI etc. And I also like tutoring physics, chemistry, geometry, engineering subjects. मतलब मेरा first target यही था physics, chemistry, geometry, engineering subjects. And I also tutoring many students for SAT second exam. So yeah, because I was teaching for SAT second exam in Shrek also. Because I've cleared that exam. Yeah, for teaching their subject. Now so I love tutoring and can taught all the grades students. So touch wood, I can now also मैं किसी भी grade के बच्चे को पढ़ा सकती हूँ. Many of my student parent message me that your lessons improved our children grades. So I love tutoring. I love eating and that too different cuisines. Made many self papers of this exam which include basics of algebra, calculus, statistics, geometry and elementary of all maths topic I can teach any subject. तो मेरे प्रोफाइल देखकर कोई भी आइडिया लगा सकता है कि डेफिनेटली ये प्रोफाइल किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का होगा जिसको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस पसंद है और इंजीनियरिंग का. सो मेक श्योर आप वो मेंशन करें, उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करें. एंड मैंने ये भी लिखा है, आई बीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट डूइंग पार्ट टाइम ट्यूटरिंग फ्रॉम लास्ट 8 years. माई पेशन एंड ऑलवेज स्टडी एंड टीच स्टूडेंट्स विद फुल इंथुसियाज्म. तो ये जरूर लिखेगा. एंड अभी का मैंने करेंट का वेदांत कोडिंग एजुकेटर का भी डाला है यहाँ कॉलेज का डिग्री. तो मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन ऐसा एज इट इज़ कॉपी मत करना क्योंकि ट्यूटर मी की पॉलिसी भी है और प्लेगरिज्म का डिटेक्ट करने का भी टेक्निक है कि अगर आपकी प्रोफाइल किसी और प्रोफाइल ऑथर की प्रोफाइल अबाउट मी या Shrek.com पे भी अगर मेरी प्रोफाइल से अगर आप सेम ऐसी प्रोफाइल आप सेम वो जनरेट करके लिखोगे या ऐसा, सो यू विल डेफिनेटली गेट रिजेक्टेड क्योंकि उनको हर प्रोफाइल का डिफरेंट ही चाहिए क्योंकि फिर ऐसे तो कॉपी पेस्ट करके कोई भी सिलेक्ट हो सकता है. सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद लिखो. फाइन. सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा अपना ट्यूटर में सिलेक्शन की तरफ जाने के लिए. एंड नाउ विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स. नाउ सब्जेक्ट्स में मेरा सब्जेक्ट है पाइथन और C++ प्रोग्रामिंग. एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि मेक श्योर कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लो. इनिशियली में मैंने ना सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सिलेक्ट करे थे प्लस मैंने ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अलजेब्रा सब सिलेक्ट करा था. तो आई वॉज नॉट गेटिंग मैनी रिक्वेस्ट. तो मैं रात रात भर बैठी रहती थी कंप्यूटर के सामने बिकॉज आई वॉज फ्री ना कि आप फ्री हो, लाइफ में आपको कोई टेंशन नहीं है. बट यू हैव पैशन फॉर टीचिंग, यू हैव पैशन फॉर सर्विंग योर हॉबी. सो दैट्स वाई यू डू वर्क, राइट? दैट्स वाई आई एम वर्किंग. सो
टच वुड ऐसा नहीं था कि कुछ फाइनेंशली आई नीडेड इट, बट इट इज़ माई पैशन दैट आई लव टीचिंग, आई लव ट्यूटरिंग, आई लव इंटरेक्टिंग, आई लव दिस थिंग्स. सो दैट्स वाई, सो मैंने सब्जेक्ट भी थोड़ा सा चेंज करा, यू नो, बिकॉज वेन यू आर फ्री क्वेश्चन में काफ़ी टाइम होता है. वेन यू टॉक टू स्टूडेंट दैट आई कैन गिव दिस आंसर, यू कैन टेक टाइम ऑल्सो कि हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स आई कैन टेक टाइम एंड देन यू कैन आंसर इट. सो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर सकते हैं. आई हैव सिलेक्टेड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो कंप्यूटर साइंस में पहले मेरे PHP, Python, C++, C एंड आई मस्ट टेल यू आर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इवन SQL प्रोग्रामिंग, SQL एंड विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, मैट लैब, बिकॉज आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सो वी हैव यूज मैट लैब अ लॉट. हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए. सो मैंने मैट लैब, CSS, HTML प्रोग्रामिंग, HTML5 एंड ये सब सिलेक्ट करके रखा था, वेब डेवलपमेंट, मगर इनमें काफ़ी कम रिक्वेस्ट आती थी. सो आई जस्ट अनचेक देम राइट नाउ. JavaScript भी और जावा भी कर रखा था. फिर वॉट आई डिड, आई डोंट नो फॉरन लैंग्वेज, तो मैंने इसमें तो कुछ भी नहीं सिलेक्ट करा था हिंदी के अलावा, बिकॉज मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता और इंग्लिश, दैट्स इट. फिर मैंने हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट इनिशियली नहीं चूज़ करे थे, इनिशियली मेरे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे पूरे, बट देन मैंने जैसे अभी अनचेक करा, लेकिन ये मेरे पूरे कंप्लीट थे, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट था, उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई थी, तो बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट करा था. एंड फॉरेन लैंग्वेज में इट्स हिंदी, दैट्स इट. हिस्ट्री मैंने सारे सब्जेक्ट चूज़ करे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, स्टडी गाइड बनवानी होती है, तो वो स्टडी गाइड मतलब फॉरेन में इट्स कंपलसरी आई थिंक, कि सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कुछ 150 टॉपिक्स देंगे वो आपको, और आपको 4, 5, 6, 7 घंटे भी दे देंगे कि आपको स्टडी गाइड के हर टॉपिक पे 3, 3, 4, 4 लाइन लिखनी है, ताकि वो लोग एग्ज़ाम टाइप को उसके गो थ्रू कर सकें. सो मैंने काफ़ी स्टडी गाइड्स बनाई हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब सिंपली 30-40,000 तो मैंने सिर्फ स्टडी गाइड से ही कमाया है. यस, दैट्स ट्रू. सो मेक श्योर आपके और हिस्ट्री और थियोसिस वगैरह क्लियर हो. इंग्लिश तो अगर आपकी अच्छी हो तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज जरूर करिएगा. कम्युनिकेशन, जेंडर स्टडीज, इंटरनेश स्टडीज़, इनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं और काफ़ी इजीली मिल भी जाते हैं, तो आप पढ़ के डेफिनेटली दे सकते हैं. राइटिंग स्टडी स्किल्स में आपको क्रॉस चेक करने के लिए आएगा, थीसिस और पेपर वगैरह वो आप कर सकते हो. शेक्सपियर का आपको समरी लिखने को आएगा, दैट यू कैन सर्च फ्रॉम द इंटरनेट, यू कैन राइटिंग ऑन वर्ड्स. रिलीजियस स्टडीज़ में आपको यू नो कभी कभी तो सेंट्रिक लोग अपने ब्लॉग के लिए ही कंटेंट लेने आ जाते हैं, सो या दैट टाइप ऑफ. फिलोसफी आपको बेसिकली अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप समझ जाएंगे. सो या दिस आर द सब्जेक्ट्स. नाउ मैथ्स में आपके पास अवेलेबल है बहुत सारे ऑप्शन. अभी मैंने इसलिए अनचेक कर दी थी क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट इसमें नहीं आ रही थी, और इसलिए मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे मूव ऑन हो गई थी. सो मेक श्योर आप अभी सिलेक्ट कर दें, क्योंकि आप फिर से रिक्वेस्ट आ रही है. ओके, सो नाउ देन प्रोफेशनल में आई हैव सिलेक्टेड ओनली एजुकेशन, बिकॉज दिस सब्जेक्ट मैंने सब चेक करके देखे, मोस्टली नहीं आते थे. बट या इफ़ यू वॉन्ट पब्लिक अफेयर्स एंड हेल्थ आप कर सकते हो, इसके भी क्वेश्चन आते हैं. साइंस, साइंस यू क्लिक ऑन नेचुरल साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है अच्छा सब्जेक्ट सब सिलेक्ट कर दीजिएगा. एंड आई डोंट नो ये न्यूट्रिशन होगी, मैंने कब कर दिया सिलेक्ट, आई विल बी डूइंग इट. फिजिक्स ओनली आई जस्ट अनचेक, मेरा 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, डन. ओके, एंड आई डोंट वांट नेचुरल साइंस, आई डोंट नो ये चेक. ओके, फिजिक्स वेव एंड फिजिक्स, ओके फाइन. एंड सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. एंथ्रोपोलॉजी में आपको रिलीजियस टर्म्स के बहुत सारे आते हैं ऑनलाइन. कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, और या फिर नई नई जो पॉलिसीज हुई हैं उसमें क्या हुआ है, नए जो भी सब चीज़ें करंट अफेयर्स से थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा. कंपैरेटिव स्टडीज़, फोकलोर एंड मिथोलॉजी में थोड़ा सा रिलीजियस टच है. गवर्नमेंट में आपको किसी भी स्टूडेंट कोई भी कंट्री से कोई भी गवर्नमेंट क्वेश्चन के साथ आपके पास आ सकता है. इंटरनेशनल रिलेशंस, IR के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी बंचों में आते हैं अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो. सो मेक श्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी हों बट आपके मेन सब्जेक्ट्स भी हों. ओके, सो मेक श्योर आप वो सारे सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करें, तभी आप सिलेक्ट होंगे. टॉप 3 सब्जेक्ट्स मेरे हमेशा, मैंने इंजीनियरिंग और मैथ्स और वही कर रखे स्टार्टिंग से सेम, बट आप चेंज भी कर सकते हो, बट आपको उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब उसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आई थिंक सो. एंड दिस इज़ द चैट बॉक्स जहाँ पे आप स्टूडेंट्स चैट कर सकते हैं. मैं अकाउंट नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स ID वगैरह सब कुछ हैं. सो मेक श्योर आप इस पर जाकर डीएक्टिवेट कर दें अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं, फिर से नहीं ID से ट्राई करें आफ्टर 3 मंथ्स. सो मेक श्योर ये नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा,
ताकि आपको डेस्कटॉप पे आप कहीं पे भी वर्क करोगे आपको एक आवाज़ आएगी, एक पॉपअप साउंड आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आया हुआ। एंड प्लीज़ सेंड मी ईमेल अपडेट वंस इन अ वाइल, ताकि आपको ईमेल के थ्रू सब अपडेट हो सके। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा प्रोफाइल बनाने में, आपको सिलेक्शन की तरफ जाने में। और ये प्रोफाइल जो मैंने अबाउट और टीचिंग एक्सपीरियंस लिखी है, प्लीज़ इसमें अपनी तरह से अपने लिए लिखेगा, सेम प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। एंड मेक श्योर इस तरह से आप प्रोफाइल बनाएं। और मैंने ऑलरेडी रिज्यूम में कवर लेटर का वीडियो बना रखा है, प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। मेरे वीडियोस हमेशा मटेरियलिस्टिक ही होते हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें मैं मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकली होते हैं, जहाँ पर मैं आपको सब एक्चुअल दिखाती हूँ कि साइट पर आप ये वर्क कर सकते हो या। सो मेक श्योर आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना। ओके, एंड थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, एंड मेक श्योर आप ट्यूटर मोड ऑन करके रखें, तभी आपको रिक्वेस्ट पता चलेगा। अगर आप ऑफ कर देंगे सो आप ऑफ